नमस्कार फ्रेंड, मैं आपके लिए आया हूँ नेक्स्ट वीडियो जिसमें अपन जान सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के अंदर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट या अदर डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वो अपन आसानी से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग आप एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद अपन को थ्री लेयर पर क्लिक करना होगा। जी हाँ, थ्री लेयर पर क्लिक कीजिए। थ्री लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर ही ऑप्शन जो अपने नेम लिखा हुआ कोड आ रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर शो होगी, ठीक है। नहीं हो रही है तो आप प्लीज़ एक बार लॉगिन प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार इसमें लॉगिन करना होता है। तो मैं जल्दी से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। आपको अपना कोड डालना होगा और जो पासवर्ड आपको वहाँ पर फ्रेश करना होगा और लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा, तो अपनी आईडी वहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, थ्री लेयर पर क्लिक कीजिए। यहाँ अपना नाम और अपना कोड लिखा हुआ आएगा। जी हाँ, जो भी आपका नाम है, ये कोड है, जो कस्टमर कोड है वो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, और अपन को उसका मोबाइल नंबर चेंज करना है। जी हाँ, तो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए अपन को जो ये सिंबल आ रहा है उस पर क्लिक करना होगा, जो एक पेन का सिंबल आप बोल सकते हैं उसको। अब अपन को वहाँ पर नंबर चेंज करना है, तो नंबर चेंज करने के लिए अपन को वहाँ पर कोड आएंगे। जी हाँ, तो आपको मोबाइल नंबर फ्रेश कर दीजिए जो आपको चेंज करना है। और फ्रेंड एक बात याद रखिएगा, जो कोड अभी ओटीपी जाएंगे वो अपने पुराने नंबर पर जाएंगे। जी हाँ, अपन को नया नंबर चेंज करने के लिए पहले पुराने नंबर को वेरीफाई करना होगा, तभी नया नंबर चेंज होगा। एंजल ब्रोकिंग के अंदर ये कंडीशन है, सभी के अंदर कंडीशन ही होती है, सिर्फ एंजल ब्रोकिंग के अंदर ही अधिकतर मिल जाएगी आपको। मैं डाल दिए है, आप जैसे डालूंगा जो अपने पुराने नंबर है, ओल्ड नंबर है, उनके पास एक ओटीपी आया होगा। तो जल्दी से जो ओटीपी आया है आपको ओटीपी वहाँ पर डालना होगा। देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक कोड, मैं आपको फ्रेश कर देता हूँ ताकि वो अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई हो। अब कोड डाल के सबमिट करना होगा। ठीक है, ये कोड फिर चेंज हो गए, फिर मैं नया कोड डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंट नोटिफिक किया था इसलिए वो कोड वहाँ पर वो चेंज हो गए है। और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट टू बी प्रोसेस वर्किंग टूडे, मतलब ये टू वर्किंग डे के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीटेड हो जाएगी। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे माने जाते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे के अंदर आप मंडे से करते हैं तो आपको दो दिन का वेट करना होगा, तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपनी मेल आईडी चेंज करना है तो आप मेल आईडी भी चेंज कर सकते हो। आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। तो मुझे मेल आईडी भी चेंज करना है तो मेल आईडी भी क्लिक कीजिए। अब जो मेल आईडी आपको चेंज करना है वो वहाँ पर फ्रेश कर दीजिए। तो मुझे अपनी पुरानी आईडी है सुनीता बेराई 2929, मुझे शशांक बटवाल 2929 करना चाहता हूँ, तो चेक कीजिए। और उस पर एक मेल आईडी पर आपके पास एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो पुरानी मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको वहाँ पर फ्रेश करना होगा। आप वो फ्रेश करोगे तो ये भी आपको टू वर्किंग डे के अंदर मेल आईडी चेंज हो जाएगी। आपके पास वैसे एसएमएस आएगा कि भाई जो आपका नंबर है वो मॉडिफाई करने के लिए प्रोसेस अंडर प्रोसेस के अंदर है, वो मेल भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो जल्दी से मैं पहले सबसे पहले ये डाल देता हूँ कोड। तो कोड डाल दो तो 145662 और सबमिट पर मैं आपकी कर देता हूँ। तो देखिए मेरी मेल आईडी और दोनों टू वर्किंग डे के अंदर अकाउंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, यदि नहीं करना है तो आप मत कीजिए। आपको बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है, जो अकाउंट नंबर आपने दिए थे आप इस पर डॉट पर क्लिक कीजिए। आपने जो अकाउंट नंबर दिए थे, ठीक है, वह आपको अकाउंट नंबर चेंज करना है तो वो अकाउंट नंबर भी आप चेंज कर सकते हो। यदि आपको चेंज नहीं करना है तो आप मत कीजिएगा। ये देखो आप डिटेल सारी दे रखी है, आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो हमने चेंज कर लिया है,
उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल आती है, तो इस पर आप इस पर क्लिक कीजिए। अब नया बैंक अकाउंट होना चाहिए इसी कस्टमर का, जो सुनीता बेरा की नाम है उसी कस्टमर का ही बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। जी हाँ, अदर बैंक अकाउंट वहाँ पर शायद ही वो अप्रूवल देगा, ठीक है। तो आप अपना खुद का अकाउंट डालिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको इस सारी डिटेल मैंने बता दी है कैसे क्या करते हैं। आपको और भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये ब्रोकरेज प्लान है, ब्रोकरेज प्लान आपको चेंज करना चाहते हो तो ब्रोकरेज प्लान भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेल डालना होगा सपोर्ट। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आपको मेल डालना होगा। अभी एंजल का कौन सा प्लान चल रहा है, एंजल आई ट्रेड प्लान। यदि ये करंट वाला प्लान है, यदि प्लान बीच में चेंज होता है या आपको दूसरा प्लान करना है तो आप support@angelbroking.com पर आप मेल डालकर अपना प्लान चेंज करवा सकते हो। मेल आईडी आपको जानना है वो कहाँ है तो मैं आपको बता देता हूँ। मेल आईडी आपको चेक करने के लिए कंटिन्यूस पर क्लिक करना होगा, सॉरी कॉन्टैक्ट के अंदर यदि आपको मिल जाता है ठीक, वरना नहीं मिलता है तो मैं आपको और ईजिली प्रोसेस बता देता हूँ। आप मोर पर क्लिक कीजिए, मोर पर आप क्लिक करिएगा, कॉन्टैक्ट अस के अंदर आप चाहिएगा। तो देखो यहाँ पर मेल आईडी आ रही है support@angelbroking.com, या इस नंबर पर फ़ोन लगा के अपना जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो या उसकी ब्रांच में विजिट कर सकते हो। तो आप सिंपल तरीका है support@angelbooking.com पर मेल डालिए और अपना जो प्लान चेंज करना है तो आप प्लान चेंज, आप कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप वो चेंजेस कर सकते हैं। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आपके पास कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं, आपको कौन कौन सर्विस लेनी है, आपका कोई स्टेटमेंट निकालना है तो आप सब निकाल सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर जाइए, आपको अपना स्टेटमेंट निकालना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन में जाइए, लेज़र स्टेटमेंट, ठीक है, लेज़र का निकालना है या आपको फंड का निकालना है, डीपी का निकालना है, ठीक है। जितना भी आपको निकालना है आप डाल दीजिएगा। और व्यू टाइम करना है तो व्यू मतलब देख लेने का, और ईमेल रिपोर्ट मतलब आपको सारे ट्रांजेक्शन देखने हैं ईमेल के द्वारा, तो आप ईमेल नोटों पर क्लिक कर सकते हो सर। और आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो आप दे सकते हो। तो ये 2 वर्किंग डे के अंदर चेंज हो जाएगा, प्रॉपर ही चेंज होगा, मैंने कर रखा है वर्किंग में, इसलिए आपका वीडियो बनाया इसके ऊपर, ठीक है। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पर छोड़ जाऊँगा, आप मुझे व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हो या मुझे सीधा अपना मैं आपको नंबर मेरा कॉल नंबर भी आपको छोड़ जाऊँगा तो आप मुझे वहाँ पर कॉल लगा के भी आप पूछ सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।